और ये कंटेंट मिल चुका है मस्का डोमेस्टिका। टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अनमोल शर्मा और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। सो एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है, फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज भी है। आई टुक एडमिशन इन द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस संजौली, सो होप इट वुड बी गुड। आज हम वहीं जा रहे हैं, सो होप यू लाइक द वीडियो। और मैं आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगा सावन के तृतीय सोमवार की। ओम नमः शिवाय। आप ये बुर्ज चेक करें, कितनी ही खूबसूरत है। हम इन्हीं बुर्ज से होकर जा रहे हैं अभी, इट फील्स गुड। अरे यहाँ के मुख्य बदमाश लाली जी आ गए, हमारे ये नन्हे दोस्त मिली है। बस का वेट अभी हो रहा है, बस आती है तो लेट्स कैच द बस एंड जाते हैं कॉलेज की तरफ, फिर आपको आगे का सीन दिखाते हैं। जा रहे हैं, जाना तो हमें सीधे रास्ते से चाहिए था IGMC वाले हॉस्पिटल रोड से, बट अभी हम फॉरेस्ट रोड होके जा रहे हैं क्योंकि भेड़ बकरियां जाती है सीधे रास्ते से। बाबे तो तेंदुए हैं। चलिए प्रणव शर्मा जी से हेलो हेलो, चलो आगे का आपको सीन दिखाते हैं, अभी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे। कॉलेज के गेट पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। बाकी देखते हैं अंदर क्या सीन है, मतलब बाकी अभी तक तो कंफर्टेबल है जाना, ऑकवर्ड फील ऑब्वियसली होगा, फर्स्ट डे है, बाकी देखते हैं। कैंपस में अभी हम खड़े हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, ना ही कोई अनाउंसमेंट हो रही। 10 बजे का टाइम था लेकिन कोई अनाउंसमेंट वगैरह ही नहीं हुई अभी तक, वेट करें किसी अनाउंसमेंट का। बाकी जाते हैं, बाकी यहाँ पे सारी वेराइटीज़ है, इंटेलिजेंट लोग भी कुछ देखने में आ रहे हैं, मेजॉरिटी कुछ छपरी भी है कह सकते हैं, ठीक है, मतलब वेराइटीज़ है यहाँ पर, ठीक है, इट्स गुड। 11 हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, मतलब बोर्डम की भी हद हो गई है। बुलाया 10 बजे गए, ना कोई अनाउंसमेंट ना ही कुछ, बस हम तमाशे देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर खड़े होके। बाहर है कॉलेज में क्या चल रहा है, अभी हम BNUCA वाले हैं, बाकी कुछ गुट यहाँ पे वो ABBP वाले खड़े हैं, थोड़े SFI वाले हैं, SFI वाले बोल रहे तूने धोखा दे दिया। बाकी चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ सड़े आशिक बैठे हैं। तो कॉलेज से तो हम फ्री हो चुके थे, आज कुछ खास वहाँ पर सीन नहीं था, ओरिएंटेशन का कल हमें टाइम दिया गया कि कल ओरिएंटेशन होगी फ्रेशेस की, तो टाइम बच रहा था, आज कुछ खास वहाँ सीन नहीं था। तो अभी हम फ्री हो चुके हैं काफ़ी देर से, तो अब हम भट्टा ऊपर आए हैं, माता ज्वाला के मंदिर सोमवार है तो हमने सोचा आज शिव जी के पास जाना चाहिए, ऊपर शिव जी का भी बहुत अच्छा मंदिर है तो वहाँ हम जाएंगे। तो आपको भी रिकमेंड करेंगे फॉर श्योर कि आप इस मंदिर आए, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आकर लगेगा। तो अभी हम जा रहे हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ज्वाला माता के मंदिर पहुंच चुके हैं, अब व्यू चेक करें पहले तो, ये मंदिर का कैंपस है, द हिल्स द क्लाउड्स, और ये मंदिर का प्रांगण है सारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, शिव जी का मंदिर ये नीचे है, ये पार्क सारा ऊपर संजौली का एरिया आता है, वहाँ सिमेट्री, ये भट्टा ऊपर पर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, चारों तरफ से सराउंडेड है पहाड़ियों से, एकदम हाइट पर है। सोमवार की पूजा करके हम फ्री हो चुके हैं, तो आपको मैं मंदिर का व्यू चेक कराता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप पर देख रहे हैं माता ज्वाला का मंदिर है, ये हमारे शिव भगवान का है, ये माताओं का मंदिर है, और से पिछली साइड वीर हनुमान जी का है। ये सारे यहाँ पर मंदिर है। आप पूजा करते हो ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं दिखाऊंगा, और फैंसी है एक्चुअली भगवान की पूजा करते हुए दिखाना भी, सो प्रांगण तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। और ये नीचे अगर आप ऑब्जर्व करें बहुत ही सुंदर मंदिर है, ये माता भीमा काली का है। यहाँ पर मैं पहले भी जा चुका हूँ। फॉर अगर आपको अच्छा लगेगी वीडियो तो प्यार आप शो करेंगे तो वहाँ पर भी जाके व्लॉग बनाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक टाइप है वहाँ पर जा। कंटेंट मिल चुका है मस्का डोमेस्टिका कंटेंट मिल चुका है, देख सकते हैं। आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा, ये वही मक्खी है जो ऊपर से भाग के आई है, उड़ गई थी, उसके साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी फ़ोटो मैं अपलोड करूँगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आप देख सकते हैं मेरा फोटोग्राफी का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, सो होप यू लाइक इट, देख के आपको मज़ा आएगा, तो मैं आपको डाल दूंगा लिंक में, सो आप प्लीज़ देखना। तितली जी भी मिल गए हैं, काफ़ी खूबसूरत है। बाकी आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग था, तो मे बी कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो होगा, नर्वसनेस भी होगी, मे बी कुछ मिस्टेक्स भी होगी, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ उन मिस्टेक्स को माफ़ करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो श्योरली लाइक करना, कमेंट करना, अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।